ऑल इंडिया आइडियल टीचर एसोसिएशन AIITA द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित। जयपुर, 15 जुलाई 2024। ऑल इंडिया आइडियल टीचर एसोसिएशन AIITA ने आज इस्लामिक सेंटर जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय शिक्षा और शिक्षकों के स्तर पर चर्चा करना था। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब्दुल रहीम शेख और राष्ट्रीय महासचिव मीर मुमताज अली ने शिक्षा क्षेत्र की वर्तमान स्थिति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा और शिक्षकों का स्तर गिरा है, जिससे विद्यार्थियों का नैतिक पतन स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। संगठन के नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा का उद्देश्य अब बाजारवाद का पोषक बनता जा रहा है। विद्यार्थियों में जिम्मेदार नागरिक बनने की भावना की बजाय भौतिकवाद की ओर झुकाव बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा, शिक्षा का सही उद्देश्य विद्यार्थियों को एक जिम्मेदार और नैतिक नागरिक बनाना है, न कि सिर्फ भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए प्रेरित करना। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में AIITA के सदस्यों ने शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए ठोस कदम उठाने और शिक्षकों के स्तर को बेहतर बनाने के लिए सरकारी और गैर सरकारी संगठनों से सहयोग की अपील की। जाए चार दिवसीय शिक्षा पर आप लोगों ने मंथन किया, किस तरह की खामियां सामने आई और क्या जरूरत है शिक्षा में सुधार के साथ में जो नैतिक मूल्य है उनमें सुधार आए? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आप शिक्षा के क्षेत्रों महत्व देकर अपना बहुत ही अमूल्य समय लेकर यहां पर आए हैं और आईटा की तरफ से आपका स्वागत भी करता हूं। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। देखिए, किसी भी देश के विकास में शिक्षा क्षेत्र का योगदान जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और उस शिक्षा के क्षेत्र में परिणामकारक बनाने के लिए जो केंद्र बिंदु के तौर पर कार्यरत होता है वो अध्यापक गण होते हैं। अध्यापक गण के साथ छात्र भी होते हैं और अभिभावक भी होते हैं, लेकिन अध्यापक गण का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है ये शिक्षा क्षेत्रों को विकसित करने में और उसको यशस्वी बनाने में। अगर आप लोग देखें आपके प्रश्न के इस स्वरूप में आज के वास्तविक स्थिति का आप अगर से एक वर्णन सामने रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि शिक्षा का जो वास्तविक उद्देश्य है कि एक चरित्र का निर्माण, देश के विकसित रूप का निर्माण, सकारात्मक दिशा में देश का विकास, ये शिक्षा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। लेकिन आप भी और मैं भी अगर इस पर मंथन करेंगे, विचार करेंगे तो हमारे समक्ष ये परिणाम निकल कर आते हैं कि आज ये विकास से ज़्यादा, चरित्र निर्माण से ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि हमारे छात्रगण एक पैसा कमाने की मशीन बनकर स्वयं केंद्रित बने हैं। उनको अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति बहुत ज़्यादा रुचि हमें महसूस नहीं होती है, जबकि होना चाहिए। तो इस काम को केंद्रीय रूप में रखते हुए हमारे छात्रों को हम ऐसे विकसित करेंगे, उनको ऐसे मार्गदर्शन करेंगे और ऐसे विकसित करेंगे कि जो वो अपने कुटुंब, अपने समाज एवं अपने इस देश को सकारात्मक रूप से विकसित एक मंच पर लेकर जाएं, विकसित रूप से उसको बहुत आगे बढ़ाएं। इसके लिए हम छात्र को विकसित करना चाहते हैं और हमारा अल्टरनेट जो उद्देश्य है वो ये हैं कि हमारे इस बहुत ही प्यारे प्यारे देश भारत को सार्वजनिक दिशा पे अंदाज में, यानी मल्टी डायमेंशन में, सार्व रूप में हमारा देश एक सकारात्मक रूप से विकसित हो, विकास करें, आगे बढ़े। इसके लिए अध्यापक का, अध्यापक की तैयारी, इसके लिए अध्यापक में जो गुण विकसित होने अवश्य होते हैं उन गुण को विकसित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यालय, हम लोग प्रशिक्षण कार्य हम करते हैं, प्रशिक्षण शालाएं चलाते हैं, सेमिनार सिंपोजियम हम लोग रखते हैं। तो ये आईटा हमारे इस देश के 20 राज्यों में ये काम कर रही है। एक तरफ तो हम लोग ये भी काम करते हैं कि जो हमारे उत्तरदायित्व में आता है, हमको राष्ट्र के निर्माण में बहुत ही अच्छा रोल रूप कार्य हमको जो है निभाना चाहिए। दूसरे रूप से कि शिक्षा में इतना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले, इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले अध्यापन गण की भी कई समस्याएं हैं, उन समस्याओं को प्रॉपर वे में उनका निवारण करने के सिलसिले में, निवारण करने के लेकर जहां जहां हो उसी क्षेत्र में हम अप्रोच करते हैं, हम प्रतिनिधित्व करते हैं और उन समस्याओं के निवारण के लिए भी अंथक प्रयास करते रहते हैं। तो एक तो टीचर्स के
अध्यापकों के समस्याओं का निवारण एवं अध्यापकों को इस देश के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता होती है उन गुणों को विकसित करने के लिए सतत उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रशिक्षण शालाएं ये लेते रहना और शिक्षकों को, अध्यापक गणों को जागृत करके उनको आगे बढ़ाते रहना, समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझाते रहना, ये काम भी हम जो है ऑल इंडिया आइडल टीचर एसोसिएशन इस हमारे संगठन के जरिए से नियमित रूप से करते रहते हैं।